आप लोगन के नमस्कार। सी डीप आईआईटी बम्बई की तरफ से हम आप लोगन के ई मौखिक ट्यूटोरियल में स्वागत करत बानी। ई ट्यूटोरियल आपके कोनो मौखिक ट्यूटोरियल या मूवी क्लिप के एक भाषा से दूसरे भाषा में डब कैले में मदद करी। एकरे खातिर आप लोगन के बस एगो ऑडियो इनपुट चाहे एगो स्वतंत्र माइक्रोफोन के जरूरत पड़ी, जौना के आप अपना कंप्यूटर से जोड़ सकी। विंडोज मूवी मेकर जौन की माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के एगो घटक हवे, एगो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हवे। ई विंडोज के सगरी नौका संस्करण एमई एक्सी या विस्ता के साथे उपलब्ध हवे। अगर आपके कंप्यूटर पे ई नहीं बा तो आप एकरा के www.windows.com/download से निःशुल्क डाउनलोड कर सकत बानी। विंडोज मूवी मेकर के चलावे खातिर एकरा के आइकन पे डबल क्लिक करी। ऐसे आपके स्क्रीन पे एगो सादा मूवी प्रोजेक्ट खुली। बाईं ओर आपके मूवी टास्क पैनल दिखाई दी। ई पैनल में आपके ढेर सारा विकल्प दिखाई दी। पहला विकल्प कैप्चर वीडियो के बा। ई विकल्प के अंदर आपके इंपोर्ट वीडियो के एगो उप विकल्प दिखाई दी। ए पर क्लिक करी। ऐसे इंपोर्ट वीडियो के डायलॉग बॉक्स खुल जाई। अब उ जगह पे जाई जहां फाइल टू बी डब्ड .wmv मौजूद बाड़े। अब हम फाइल के चुनाव करब और ओके आयात करे खातिर इंपोर्ट पे क्लिक करब। अब वीडियो के विंडोज मूवी मेकर में आयात होत बा। ई वीडियो अब आपके कलेक्शन पैनल में दिखाई दी। अगर वीडियो के आकार बहुत बड़ा होला तो विंडोज मूवी मेकर ओके खुदे से छोट छोट हिस्सन में तोड़ देला। सबके एक साथ चुने खातिर कंट्रोल प्लस ए दबाई। अब राइट क्लिक करी और एड टू टाइमलाइन विकल्प के चुनी। ऐसन कैले से सगरी वीडियो क्लिप टाइमलाइन से जुड़ जाला। वीडियो से सटल प्लस बटन पे क्लिक करी। ऐसन कैले से आप ऑडियो टाइमलाइन देख सकत बानी। कोनो क्लिप के सेलेक्ट कैले के खातिर ऊपर क्लिक करी। अब राइट क्लिक करके सेलेक्ट ऑल विकल्प के चुनी। ऐसन कैले से सगरी ऑडियो फाइल चुन लेवल जाई। अब मुख्य सूची पे जाई, क्लिप के अंदर ऑडियो फिर म्यूट चुनी। अब ई वीडियो ध्वनि रहित हो गई हुई। अब वीडियो से सटल माइनस बटन के दबाई। फ्रेम हेड जौन की टाइमलाइन पे वर्तमान स्थिति के दर्शाला डिफॉल्ट से टाइमलाइन के शुरुआत में होला। अब मुख्य सूची में टूल्स के अंदर नरेट टाइमलाइन उप विकल्प के चुनी। ऐसे नरेट टाइमलाइन स्क्रीन खुल जाई। सबसे पहले आपके नरेशन करे खातिर इनपुट लेवल के निर्धारण करे के पड़ी। इनपुट लेवल के निर्धारण कर समय पैमाने के ऊपर वाला हिस्सा से लेवल के चुनाव करी। ए बात के ध्यान रखल जाए कि आप लाल रंग वाला क्षेत्र से बाहर होके के चाहिए जौन की ऊपर से दूसरा स्थान पे चिन्हित बा। अगर कैप्चरिंग लेवल ढेर नीचे हुई तो ऐसा हो सकत बा कि कैप्चर कई गई आवाज सुनाई न दे। यही तरह अगर कैप्चरिंग लेवल बहुत ऊंच हुई तो नरेशन बड़ी तेज और बिगड़ल हो सकेला। अब ऑडियो नरेशन के कैप्चर करे के खातिर स्टार्ट नरेशन पे क्लिक करी। अपने माइक्रोफोन पे सामान्य तरीका से बोली। हम आपके इकई के दिखावत बानी। हम इनपुट लेवल के इस चिन्ह तक निर्धारित करब और फ्रेम हेड के इस जगह पे ले आए जहाँ से मूल वीडियो में नरेशन शुरू होला। अब हम नरेशन शुरू करब। दोस्तों, सीडीप आईआईटी बॉम्बे की तरफ से मैं इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूँ। यह ट्यूटोरियल कैम स्टूडियो का अभ्यास करने में आपकी मदद करेगी। स्टॉप नरेशन पे क्लिक करके हम नरेशन प्रक्रिया के रोक सकत बानी। कृपया ध्यान देवल जा कि नरेशन प्रक्रिया के कोनो भी समय पे रोकल जा सकेला। मूवी मेकर आपसे ऑडियो फाइल के आपके कंप्यूटर पे सेव करे खातिर पूछी। एगो डायलॉग बॉक्स खुली जेमन आप फाइल के नाम और ओके सुरक्षित कैले के जगह के विवरण दे सकत बानी। हम ई फोल्डर के चुनब और एके ई नाम देब। अब सेव पे क्लिक करी। एक बार आप अगर ऑडियो फाइल के सेव कई लेनी तो आप ही देख सकत बानी कि रिकॉर्ड भइल ऑडियो फाइल टाइमलाइन पे आ जाला। आप ही ऑडियो फाइल पे क्लिक करके एके सरकावत
टाइमलाइन पे एक जगह से दूसरी जगह खिसका सकत बानी। अब सगरी काम के एगो प्रोजेक्ट के रूप में सुरक्षित कैले के ठीक समय हो गई बा। प्रोजेक्ट के सुरक्षित कह देले से डबिंग के काम के वहीं से चालू कर सकल जाला जहां से पिछली बार आप ओकरा के छोड़ले रहनी। कंट्रोल प्लस एस दबावल जा। जब आप पहली बार ऐसा करीला तो आपसे फाइल के नाम देवे के लिए पूछल जाला। हम ई प्रोजेक्ट के डब्ड इनटू हिंदी के नाम से सुरक्षित कह ले। भविष्य में कंट्रोल एस कहले पे काम यह प्रोजेक्ट फाइल में सुरक्षित हो जाला। आप प्रोजेक्ट फाइल के सुरक्षित कैला के बाद मूवी मेकर के कब्बो बंद कर सकत बानी और भविष्य में कोनो सुविधाजनक समय पे डबिंग के फिर से चालू कर सकत बानी। एकरा खातिर बस फाइल पे जाके ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करके उ प्रोजेक्ट के चुनी जौना के आप खोलल चाहत बानी। इस सुनिश्चित कह लेवल जा कि फ्रेम हेड वही जगह पे रहे जहाँ से आप डबिंग फिर से चालू कर चाहत बानी, एकदम वैसे ही जैसा आप पहले कहले रहनी। प्रोजेक्ट के बीच बीच में सेव करल न भूली। एक बार मौखिक ट्यूटोरियल के नरेशन खत्म होकला के बाद आपके एगो मूवी के निर्माण करे के चाही। ऐसा कैला के खातिर मूवी टास्क पैनल में जाई, फिनिश मूवी में जाके पहला विकल्प सेव टू माई कंप्यूटर के चुनी, ए पर क्लिक करी। ऐसे सेव मूवी विजर्ड डायलॉग बॉक्स खुल जाई। डब भइल मूवी के अपनी इच्छानुसार नाम दई और उ जगह के विवरण दई जहाँ आप ओके सेव करल चाहत बानी। एके हम हिंदी डब फाइल के नाम देव और ई जगह पे सेव करब। अब नेक्स्ट बटन पे क्लिक करी। यहाँ आप आउटपुट क्वालिटी के निर्धारण कर सकत बानी। हम एक विस्तार से समझाई। बेस्ट क्वालिटी फॉर द प्लेबैक ऑन माय कंप्यूटर के चुनला पे एगो उच्च गुणवत्ता के वीडियो लेकिन बड़ा आकार के फाइल बनेला। बेस्ट फिट टू फाइल साइज के चुनला पे एगो निम्न गुणवत्ता के लेकिन छोटा आकार के फाइल बनेला। अदर सेटिंग्स के चुनला पे सगरी उपलब्ध सेविंग विकल्प दिखाई देला जेमन परिणामित वीडियो सेव कर सकल जाला। आप वीडियो के कैसे देखल चाहत बानी चाहे कौन तरीका से अपलोड करल चाहत बानी ई आधार पे उपयुक्त गुणवत्ता वाले विकल्प के चुनाव करी। हम बेस्ट फिट टू फाइल साइज और 30 एमबी के चुनाव करब। ऐसे व्यू डायमेंशन 640x480 पिक्सल और फ्रेम दर 30 फ्रेम प्रति सेकंड हो जाए। जैसन की फाइल जेके डब करे के बा वो यही डायमेंशन के हवे और डब वेल फाइल भी यह डायमेंशन के हो जा, एकरा के खातिर हम ई विकल्प के चुनब। अगर ऐसा जरूरत ना होके तो आप फाइल के आकार 30 एमबी से कम चुन सकत बानी जैसे कि 25 एमबी। ध्यान देवल जा कि व्यू डायमेंशन अब कम हो गई बा। हम अब वापस जाके एकरा के 30 एमबी में बदलब और नेक्स्ट पे क्लिक करब। अब मूवी आपके कंप्यूटर पे सेव हो जाई। अब फिनिश पे क्लिक करी और ये विंडोज मूवी में करके बंद कर देवल जा। तो ऐसे हम देखत बानी जा कि ये पद्धति के अनुसरण कैला से आप कोनो मौखिक ट्यूटोरियल के डब भइल संस्करण बड़ी आसान तरीका से पा सकत बानी। हमके उम्मीद बा कि ये जानकारी आप लोगन के खातिर मददगार साबित भइल होई। अब हम आशीष सीडीप आईआईटी बॉम्बे की तरफ से आपसे अनुमति लेत बानी। आप लोगन के धन्यवाद।